दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन में सिराज अमन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPED पाठ्यक्रम 2023-24 के प्रवेश परीक्षा हेतु, यानी कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि BPED के अंदर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी और आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आएगी, आपको कितने रुपये का चालान जमा कराना है। इन सब टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे एवं आपको संपूर्ण एवं सटीक जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ओर से ये नोटिफिकेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है BPED पाठ्यक्रम 2023-24 प्रवेश हेतु कार्यक्रम। आप यहाँ पर कार्यक्रम का विवरण और उनकी दिनांक देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उपस्थित एवं सफल होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी स्नातक स्तर की अंक तालिका दस्तावेज सत्यापन के समय परिणाम जो परीक्षा परिणाम के अभाव में प्रस्तुत नहीं की, उनको अंक तालिका व अन्य संबंधित दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या मेल के माध्यम से sports@uok.ac.in पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 जो अक्टूबर है 2023, आप तब तक आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसको वहाँ पर किसी भी हालत के अंदर जमा करा दें। उसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले पंजीकरण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अस्थायी सूची का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपकी जो अस्थायी सूची है BPED प्रवेश परीक्षा 2023 की, उसका जो प्रकाशन है अस्थायी सूची का वो 13 अक्टूबर को हो जाएगा। अस्थायी सूची पर अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो उसकी डेट है 14 अक्टूबर 2023। पात्र अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि 5,000 रुपये का चालान जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, आप इसके अंदर जो आपकी चालान है आपका उसको 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप जमा करावें। जिन अभ्यर्थियों को BPED करनी है वो अगर जो शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पास हो जाते हैं अस्थायी सूची के अंदर उनका नाम आ जाता है तो वे 5,000 रुपये का चालान 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक किसी भी हालत के अंदर जमा कराएं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, अस्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग व आरक्षण के अनुसार 19 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। महाविद्यालयों का आवंटन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क राशि 17,370 रुपये बैंक चालान द्वारा जमा करवाने एवं आवंटित महाविद्यालयों में उपस्थिति देने की तिथि 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगी। यानी कि दोस्तों आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो 20 अक्टूबर को आ जाएगी और 24 अक्टूबर तक आपको किसी भी हालत के अंदर 17,370 रुपये बैंक चालान द्वारा जमा कराकर आपको आवंटित महाविद्यालय के अंदर उपस्थिति देनी है। यानी कि आपको जो कॉलेज मिलेगी आपको वहाँ पर जाकर आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति देने की तिथि 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। अपर मूमेंट की स्थिति 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक रहेगी। अगर कोई अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट लगाना चाहता है तो वो 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक लगा सकता है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके बाद में अगर रिक्त सीटें बच जाती है महाविद्यालय के अंदर तो विभिन्न वर्गों में रिक्त रही सीटों के अनुसार आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जिसकी तिथि आप यहाँ पर देख लीजिए 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2023 तक रखी गई है। जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है उसके बाद में आपको 17,370 रुपये बैंक चालान द्वारा जमा कराने होंगे और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना BPED करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके हर प्रकार के सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।